किस राज्य के वासी हैं तो दोस्त ये जो है गुजरात के निवासी हैं कहाँ के हैं गुजरात के हैं ठीक है एन सी ई आर टी के निदेशक कौन हैं तो दोस्त इस समय बदल चुके हैं आप पहले जो थे वो एच सेनापति थे आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा एन सी आर -E टी के निदेशक से या जितने भी अभिकरण हैं आपके एन सी आर टी हो या सी आर टी हो या फिर आपका यू जी सी हो जो भी अभिकरण हैं सारे के जो चेयरमैन हैं और उसकी उसकी स्थापना जब हुई थी वो सारी डेट आप लोग एकदम सही से क्लियर कर लीजिएगा कैब को भी देख लीजिएगा और जो कमीशंस हैं जो आपके कोठारी कमीशन हो मुदालियर हो या फिर आपका राधा कृष्णन कमीशन हो जो भी कमीशंस हैं वो सारे के सारे कमीशंस को आप अच्छे से देख लीजिएगा उसकी स्थापना क्या है उसका शीर्षक क्या है ठीक है चलिए संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों की बात की गई है तो दोस्त ये बात की गई है आपके चार के ए में ठीक है सिक्किम की राजधानी क्या है तो दोस्त ये है गंगटोक ठीक है तो विभिन्न राज्यों की राजधानियों को आप लोग देख लीजिएगा ल्यूकेमिया नामक बीमारी से संबंधित है तो दोस्त ये संबंधित है आपकी आँख से सॉरी रक्त से ल्यूकेमिया यानी रक्त की कमी हो जाती है इसमें आर्य समाज की स्थापना किसने की तो दोस्त ये की है दयानंद ने ठीक है भीम ऐप किससे संबंधित है तो ये है पैसा ट्रांसफ़र करने से कल्चरल हेरिटेज नामक पुस्तक किसने लिखी तो ये दोस्त ये लिखी है एस राधा कृष्णन ने भारत की कपड़ा मंत्री कौन है तो दोस्त इस समय का आपको देखना है उस समय स्मृति ईरानी थी ठीक है इस समय का आप लोग देख लीजिएगा क्या है ठीक है मंत्री वगैरह मंत्रिमंडल को सही से समझ लीजिएगा यूपी का भी देख लीजिएगा भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है तो दोस्त उस समय जे एस खेहरे थे अब इस समय बदल चुके हैं सामान्य सर्दी का कारण क्या है तो दोस्त इसका कारण है विषाणु ठीक है खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है तो दोस्त ये संबंधित है मुस्लिमों से सर्वेंट्स ऑफ इंडिया समाज की स्थापना किसने की तो दोस्त ये स्थापना की है जी गोपाल कृष्ण गोखले ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्त मनाया जाता है इक्कीस जून को मिजोरम की राजधानी क्या है तो दोस्त ये है आपका आइजोल ठीक है निम्न में से किसमें ध्वनि संचारित हो सकती है तो ये संचारित हो सकती है केवल ठोसों में सॉरी गड़बड़ हो गया ये जो है आपका ठोस तरल एवं गैस तीनों में हो जाएगा ठीक है यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है तो योगी आदित्यनाथ हैं संगीत के ज्ञान में कौन सा वेद संबंधित है तो दोस्त ये सामवेद संबंधित है इसमें जो है आप लोग अगर देखेंगे तो सबसे पुराना वेद यजुर्वेद सॉरी ऋग्वेद को कहा जाता है ठीक है इसके बाद आयुर्वेद कोई वेद नहीं है आपका यजुर्वेद सामवेद या अथर्वेद अथर्वेद सबकी विशेषताओं को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है तो ये दोस्त ये हैं कपिल ठीक है तीर्थंकर निम्न की निम्न में से किससे संबंधित है तो दोस्त ये जो है जैन धर्म से संबंधित है जो तीर्थ गुरु सॉरी जो जैन गुरु होते थे उनको जो है तीर्थंकर कहा जाता था राजा अशोक का संगमित्रा से क्या संबंध था पुत्री थी जिसको सबसे पहले उसने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए वेन्सांग किसके शासनकाल में भारत आया था तो दोस्त ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में ठीक है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी तो दोस्त ये लड़ाई लड़ी गई थी सत्रह सौ इकसठ में ठीक है निम्न में से कौन कागज उद्योग से संबंधित नहीं है तो दोस्त ये है आपका गंगानगर ठीक है में से कौन अवशेषी अंग हैं तो दोस्त ये जो है बरौनी है जिसको हम सेल्फ ऑटोमोटेड कहते हैं ठीक है ये आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का ऑप्शन नंबर डी इज वेरी करेक्ट ओके चलिए किस रसायन के कारण पौधे के पत्ते हरे होते हैं तो दोस्त ये होते हैं क्लोरोफिल के कारण ठीक है चलिए इनमें से कौन नाइट्रोजन एंड टू स्थिरीकरण से संबंधित नहीं है तो दोस्त ये है आपको ब्रायोफाइटा से चलिए साइट्रस कैंकर नामक रोग किस पौधे में लगता है तो यह दोस्त लगता है नींबू में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक है क्या है प्रोटोजोवा है ठीक है अनुच्छेद सत्रह निम्न में से किससे संबंधित है तो दोस्त ये है अस्पृश्यता से संबंधित ठीक है उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है दोस्त ये है अट्ठारह में भारत का वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है उस समय जो था दोस्त ये नसीम जैदी थे लेकिन अभी इस समय बदल चुके हैं तो आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है तो ट्वेंटी फाइव ईयर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है तो दोस्त ये फालतू प्रश्न था उस समय और आज भी है देखिएगा इसको लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा उस समय अमित शाह थे अभी जो है बदल चुके हैं भारत में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है तो दोस्त ये है आपका परमवीर चक्र इंद्रधनुष परियोजना से संबंधित है तो दोस्त ये है टीकाकरण से तो आपको एक चीज़ बता दूं कि जितनी भी परियोजनाएं हैं जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं आप उन सारी योजनाओं का का जिस्ट क्या है वो किससे संबंधित है कम से कम इतनी चीज़ें आप एक लिस्ट बना करके जरूर तैयार कर लीजिएगा अभी आपके पास अट्ठारह को पेपर है अभी आपके पास थोड़ा समय है तीन चार दिन का और तीन चार दिनों में आप ये सारे काम कर लीजिए आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा कोई इसमें डाउट नहीं है चलिए जैसे पी संबंधित है क्यू से वैसे आर संबंधित है यस से तो दोस्त ये सारी चीज़ें सॉल्व करने वाली हैं हम डायरेक्ट आंसर आपको बता रहे हैं आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा जैसे समय जैसे घड़ी से संबंधित है वैसे दबाव बैरोमीटर से संबंधित होगा ये सब तो सिंपल क्वेश्चन है जैसे वर्ष जुड़ा है माह से वैसे ही सप्ताह जुड़ा है दिन से रिक्त स्थान पर उचित अंक भरें तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो इक्कीस हो जाएगा इसके बाद विलुप्त संख्या के चेक करना है तो इसमें दो आ जाएगा यदि बैक का कूट ई डी जे वो तो व्हाइट का कोट क्या होगा तो दोस्त इसका जो राइट आंसर हो वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक है असंगत को चुनें तो इसमें असंगत है सुई असंगत को चिन्हित करें तो इसमें जॉर्ज सा किड्स सैली और वर्ड्स ये तीनों के तीनों जो है रोमांटिक रोमांटिक एरा के कवि हैं सारे के सारे रोमांटिक एरा के पोएट हैं बाकी सा जो है वो रोमांटिक के नहीं हैं ठीक है थीके? इसलिए ये असंगत हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है द हेग में स्थित है राइट ओके चलिए एक चिड़िया के आगे दो चिड़िया एक चिड़िया के पीछे दो चिड़िया तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है तीन कटक किस नदी के तट पर स्थित है तो दोस्त ये स्थित है महानदी पर क्रम में विलुप्त संख्या ज्ञात करें तो इसका जो राइट आंसर हो नाइनटीन हो जाएगा जैसे आज बीते कल से जुड़ा हुआ है रविवार से जुड़ा है शनिवार भारत का वर्तमान संविधान किस वर्ष लागू हुआ तो दोस्त ये लागू हुआ है 1950 में भारतीय लोकसभा का सभापति कौन है तो दोस्त उस समय जो है सुमित्रा महाजन थी अभी जो है चेंज हो चुके हैं आप उसको चेक कर लीजिएगा राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है तो दोस्त वो होता है उपराष्ट्रपति किस संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज सुधार लागू किया गया तो दोस्ती ये लागू किया गया है तिहत्तर में पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्ती मनाया जाता है बाईस अप्रैल को बिस्मिल्ला खान किस शहर से संबंधित है तो दोस्ती संबंधित है बनारस से वाराणसी ताराचंद समिति शिक्षा से संबंधित है भाषा एस एस से सर्व शिक्षा अभियान आया था 2001 में लागू लागू दो हजार एक में हुआ था दो हजार में आया था ठीक -E है एस आई सी आई ई टी कहाँ है नई दिल्ली में किसके सम्मान में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है तो, तो उसमें मनाया जाता है मौलाना आजाद के शिल्प केंद्रित शिक्षा किससे संबंधित है महात्मा गांधी से इन्होंने थ्री आर की जगह जिसमें राइटिंग सॉरी राइटिंग रीडिंग एरिथमेटिक एरिथमेटिक के स्थान पर थ्री आर की बजाय कहा कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ लिखना पढ़ना और गणित लगाने से ही उसकी लर्निंग नहीं होती है या उसको अच्छा पढ़ा लिखा नहीं माना जा सकता है उसके लिए उसको क्या करना होगा थ्री एच इन्होंने इसके स्थान पर इन्होंने कहा थ्री एच का संकल्पना दिया ठीक है थ्री एच राइट तो थ्री एच में क्या था हेड था हैंड था हॉट था ठीक है इन्होंने कहा कि जो कुछ भी हमारी लर्निंग होगी जो बच्चा जो कुछ भी सीखेगा वो उसको इस प्रकार से सीखना चाहिए जिससे उसको जिसमें उसका Uh, सर का उसके मस्तिष्क का उपयोग हो उसके हाथों का उपयोग हो और उसके वो दिल से जुड़ा हुआ हो ठीक है इससे क्या होगा कि अगर वो कुछ निर्मित कर रहा है यहाँ पे हस्तशिल्प की बात इन्होंने ज़्यादा की है इन्होंने कहा कि जो कुछ भी बच्चा निर्मित करे उस वो अपने हाथों से निर्मित करे और उसको मस्तिष्क लगा करके कुछ नया बनाए और इसके बाद वो जो भी बनाए उसको एकदम दिल के करीब रखे यानी दिल के दिल से बनाए उस चीज़ को तो अच्छा बनेगा जब वो अच्छा बनेगा तो उसी को बेच करके जो एक इस तरीके का विद्यालय का सिस्टम बनाया जाए जिसमें क्या किया जाएगा कि बच्चा जो सामान बना रहा है उसको बेचा जाए बेच करके जो पैसा आए उससे उस स्कूल का खर्च चले और साथ ही साथ जो टीचर है उसको पढ़ा रहे हैं उसकी भी पेमेंट वगैरह सारी चीजें चले ठीक है तो इसकी हस्तशिल्प की बात सबसे पहले और आखिरी में भी उन्होंने ही की है महात्मा गांधी ने एन सी ई आर टी की स्थापना कब हुई तो दोस्त ये हुई है 1961 में इसकी संकल्पना जो है सबसे पहले जो है उन आ, ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में ही इसकी बात की गई थी एन आई वी एच कहाँ स्थित है तो दोस्त ये स्थित है देहरादून में भारत में कौन दर्शन काल से संबंधित नहीं है तो दोस्तों तो सा वेदांत हो गया सांख्य हो गया न्याय हो गया ये तीनों के तीनों तो आपके भारतीय दर्शन है चारवाग जो है ये भारतीय दर्शन नहीं है ठीक है और इसको पाश्चात्य दर्शन में, में भी नहीं रखा जाता है ये एक तरीके से अपवाद के रूप में माना जाता है चारवाग दर्शन उसमें यह कहा जाता है जब तक जीवित रहो तब तक उसका सांसारिक वस्तुओं का उपभोग करते रहो मरने के बाद कौन देखा है ठीक है कहते हैं ना जब तक जीवित रहो आ, उधार लेकर के घी भी पियो लेकिन मर जाओगे तो फिर कौन देख रहा है तो ये इस तरीके की बातें इसमें चारवाक दर्शन में की गई हैं ठीक है निम्न में से कौन विद्यारंभ संस्कार से जुड़ा हुआ है तो दोस्त ये जुड़ा हुआ है आपका पवज्जा ठीक है विद्यारंभ संस्कार आपका वैदिक कालीन एजुकेशन में होता था पवज्जा संस्कार आपके कालीन एजुकेशन में होता था ठीक है चलिए प्रथम तेजस एक्सप्रेस हाल ही में हाल ही में किसके बीच शुरू की गई तो दोस्त ये शुरू की गई थी बॉम्बे और अहमदाबाद में अभी जो है सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं तो इस पर ध्यान नहीं देना है आपको थोड़ा करंट पर देख लीजिए हल्का इल्म से संबंधित है तो दोस्त ये संबंधित है इस्लाम से लेकिन इल्म का अर्थ होता है ज्ञान ठीक है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्त मनाया जाता है दस दिसंबर को दस दिसंबर ठीक है चलिए एन सी पी एन सी पी सी आर आर संबंधित है तो दोस्त ये संबंधित है बाल अधिकार से चलिए रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान किससे संबंधित है तो ये संबंधित है दोस्त उच्च शिक्षा से ठीक है द ब्यूटीफुल ट्री किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है तो दोस्त ये लिखी गई है धर्मपाल द्वारा मैं काले मिनट्स किस वर्ष आया तो दोस्त ये आया है 1835 में यू की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो दोस्त अभी चेक कर लीजिएगा उस समय उस समय जो है आपका कौन थे वेद प्रकाश जी थे ठीक है इंचियान घोषणा किससे संबंधित है तो दोस्त ये संबंधित है आपके समावेशन समता गुणवत्ता पर शिक्षा उपयुक्त सभी से सैडलर आयोग किस वर्ष आया तो दोस्त ये आया था 1917 में जिसको कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा गया किस विश्वविद्यालय में सूक्ष्म शिक्षण सब पहले शुरू हुआ तो दोस्त ये शुरू हुआ था स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में छड़ी त्यागना बच्चे को बर्बाद करना है नामक कथन किस शैक्षिक रूप से क्या है गलत है ठीक है कब से गलत हुआ आर टी एक्ट टू थाउजेंड नाइन्टी नाइन का जो अमेंडमेंट आया था जो एक्ट आया था राष्ट्रीय शिक्षा सॉरी वो आर टी ई एक्ट उस एक्ट के तहत इसको अवैध घोषित कर दिया गया था हंसा मेहता निम्न में से किससे संबंधित हैं तो दोस्त महिला शिक्षा से संबंधित हैं ठीक है टी डब्ल्यू एल एन डी डब्ल्यू एल एन संबंधित है तो ये इसके जनक माने जाते हैं सूक्ष्म शिक्षण के डी डब्ल्यू डी एक्ट संबंधित है तो दोस्त ये संबंधित है आपका डिसेबिलिटी से <स्थिवारी> प्रश्न करना एक शिक्षण है तो दोस्त ये कौशल है ठीक है अनुप्रयोग किस वर्ग से संबंधित है तो दोस्त ये संबंधित है आपका संज्ञानात्मक से प्रकृति में मापन है तो दोस्त ये मापन है मात्रात्मक निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक नहीं हैं तो दोस्त है मानक विचलन एन की संरचना की तरह होती है घंटी की तरह होती है एन सही से पढ़ लीजिएगा एक क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट आएगा उद्देश्य परक विस्तृत मूल्यांकन के लिए कौन उपयुक्त है तो दोस्त ये उपयुक्त हैं आपके सी आर टी राइट सहसंबंध संबंध का प्रसार क्षेत्र है तो प्लस माइनस वन होता है ठीक है तो यानी माइनस वन से लेकर के प्लस वन एक मध्य ककुदती होता है तो दोस्त ये आपका होता है सामान्य ठीक है आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे इस तरीके से होता है जो सबसे ऊपर है वो लेप्टॉप हो जाता है वो बीच का है वो आपका मेजो हो जाता है जो एकदम चपटा रहता है वो प्लेटिका हो जाता है प्लेट के समान हो जाता है राइट ठीक है तीन प्रकार के झुकाओं की बात करता है आपका निरपेक्षता भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा जोड़ा गया तो बयालीसवें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है मापन के किस स्कूल सॉरी मापन के किस स्केल से सामान्य नाम देने का मापन जुड़ा हुआ है तो दोस्तों जुड़ा है आपका नॉमिनल से राइट नाइन्टी वन कौन सा थॉन्डाइक से संबंधित नहीं है तो दोस्त संबंधित है सम्म... समीपता का नियम ठीक है तत्परता का नियम अभ्यास का नियम प्रभाव का नियम ये तीनों के तीनों संबंधित हैं थॉन्डाइक से लेकिन संयुक्ता का नियम थॉन्डाइक से संबंधित नहीं है ये जो है आपका परसेप्शन से है ठीक है नव वेदांत की अवधारणा अधा, किसने दी तो दोस्त दी है विवेकानंद ने ठीक है चलिए पुरुषार्थ की विभिन्न संप्रत्य के अनुसार अच्छे जीवन के लिए मूल्य चिन्हित हैं तो दोस्त ये चिन्हित हैं आपके फोर ठीक है वैदिक परंपरा के अनुसार जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है तो दोस्त ये है आपका मोक्ष राइट थ्री एच की शिक्षा पर किसने बल दिया तो अभी हमने आपको बताया थ्री आर और थ्री ए एच के बारे में तो ये एम के गांधी हैं ठीक है प्लेटो द्वारा लिखी पुर्स, प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है तो दोस्त ये है आपका द रिपब्लिक राइट डी स्कूलिंग सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी तो ये लिखी है दोस्त इवान इलिच ने राइट एन ए एस सी नेक का वर्तमान निदेशक कौन है तो दोस्त आप नैक के बारे में पढ़ लीजिएगा आप वर्तमान में डीपी मतलब वो उस समय जो है डीपी सिंह थे ठीक है वाराणसी में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की तो दोस्त ये की है बेसेंट ने ठीक है बेसिक शिक्षण प्रतिमान किसने दिया तो दोस्त ये दिया है रॉबर्ट ग्लेजर ने राइट चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरा यह जो प्रयास है वो अच्छा लग रहा होगा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप सौ सवा सौ लोग देखते ज़रूर हैं लेकिन एक भी लोग लाइक नहीं करते हैं भाई तो कम से कम लाइक तो बनता है ना यार एक बार लाइक कर दो एक बार आप देख लो आप इससे उपभोग कर रहे हो फ्री में सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं हम अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ी सी तो मेहनत कर ही सकते हो आप इसको शेयर कर दो और थोड़ा सा अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो इसके साथ ही साथ आप जो है बेल आइकन भी प्रेस कर लेना और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो या जैसे भी हो आप कम से कम लाइक तो ज़रूर कर दो यार ठीक है चलिए बाय बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले ईयर के पेपर को लेकर के